मुझे कोई आइडिया नहीं है, मुझे जितना आइडिया है शायद मुझे किसी को अवार्ड देना है। अब किसको देना है ये तो देख के पता चलेगा। सॉरी बहुत बहुत अच्छी बात है एक्चुअली। और दिस इज़ 9th जागरण फिल्म फेस्टिवल और मैं तो पहली बार ही आया हूँ इसमें, तो मुझे काफ़ी खुशी है। एंड दैनिक जागरण मेरे कानपुर से है तो और अच्छा लगता है। सो आई एम रियली हैप्पी। एंड मेरे कुछ फ्रेंड्स के प्रोजेक्ट भी रिलीज़ हुए हैं यहाँ पे, तो एक मेरा दोस्त मिला, मैं शायद उस दिन नहीं आ पाया था, वो बड़ा नाराज़ है मुझसे कि तुम तब नहीं आया राज है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे। अगर ऐसा हो तो अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। शहर से संगीत को लाया जाए, मतलब टैलेंट की बात कर रहा हूँ या टैलेंट खुद है, एक्चुअली टैलेंट भी आ जाते हैं यहाँ पे, मुंबई में आते हैं जैसे मैं आया था तो, और अगर उसकी खोज की जाए तो ऑफकोर्स बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत अच्छा टैलेंट है हमारे पूरे इंडिया में, जैसा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू हमें देखने को भी मिलता है कि कितने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट सिंगर आर्ट करते हैं, पेंट करते हैं, वो अपनी आर्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू हमें दिखाते हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है अगर ऐसा खोज होती है तो। मैं बस ये बोलना चाहूँगा कि यार बी हैप्पी, जो आई थिंक खुशियाँ सबसे कम हो रही हैं हमारे आसपास, खुशियाँ बढ़ाएं। और नवरात्रि का अच्छा दिन है, 9 दिन और अच्छे से हम सेलिब्रेट करें नवरात्रि। मेरी शुरुआत जगराते से हुई है, माता रानी के जगराते से, तो नवरात्रि मेरे लिए वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं चाहूँगा आप सब बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करें नवरात्रि। हाँ बट मुझे याद आना चाहिए, मैं मतलब कोई डिवोशनल गाना है कैसा? एक्चुअली आज मैं जो कुछ भी हूँ आप सबकी वजह से हूँ, तो आप सबके लिए मैं अपनी एक लाइन डेडिकेट करता हूँ, एक गाना डेडिकेट करता हूँ। तेरे होने से ही मेरा होना है, तुझको खोना जैसे खुद को खोना, तू जो है तो मैं हूँ, यूं जो है तो मैं हूँ। थैंक यू।